विजयनगर बकेवर चौराहे पर भाजपा नेता बंटी शर्मा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी तथा पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाने के साथ मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं चारों तरफ खुशी का माहौल दिख रहा था। जगह जगह पर युवाओं ने भी जुलूस निकाले और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर सर्वेश शुक्ला, किशन शर्मा, बंटी शुक्ला, राजकुमार, अनु शर्मा आदि लोग मौजूद थे। वहीं कस्बा लखना ने अपना ज्वेलर्स पर भाजपा को लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रचंड बहुमत मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव भाजपा के पक्ष में आने पर भाजपा के पूर्व जिला मंत्री अर्पित पोरवाल के नेतृत्व में भाजपा के पक्ष में जुलूस निकालकर खुशियां मनाई और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं भाजपा की जीत से खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। साथ ही मोदी की लहर चलने से भाजपा के केंद्र में मजबूत सरकार बन रही है। इस मौके पर प्रदीप प्रधान, मंडल मंत्री भाजपा इंद्र कुमार जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबू राम राठौर, शिवनाथ शर्मा, प्रशांत महेश्वरी, अर्जित पोरवाल आदि लोग मौजूद रहे। ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सबका साथ सबका विकास किया, इसलिए जनता ने ठग बंधन को नकार दिया और एक एनडीए की ऐसी सरकार मजबूत सरकार दी है जो आगे चल के हमारे देश में गरीबी हटाने का काम करेंगे, देश का विकास होगा। उनका नारा भी था आपकी बार, जो नारा था 300 बार मोदी सरकार, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। आज जो है इमरान खान भी मोदी को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको कोई खतरा पैदा हो रहा है। खतरा तो पहले से था कि मोदी जी ना आए, लेकिन मोदी जी आ गए तो ये के या डर के मारे कुछ भी कह लो आप, क्योंकि आतंकवाद तो पाकिस्तान से ही पनपता है। हाँ, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर से पनपता है आतंकवाद, तो वहाँ उनका सफाया किया जा रहा है। हाँ, उनका सफाया हो रहा है आधार की तरह, तो इसलिए केंद्र में अब मजबूत सरकार मोदी की सरकार बनेगी, बन चुकी है। कोई नहीं रोक सकता, आप सरकार को पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों आपने मोदी बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम पब्लिक के लिए, सबके लिए? अभी किसानों के लिए उन्होंने क्या, कौन सी योजना चलाई जिससे किसान लाभान्वित? देखिए, महिलाओं के लिए उन्होंने गैस वाली चलाई, उजाला योजना, लैट्रिन योजना चलाई, उसके बाद शौचालय बनवाए किसानों के लिए, उनके खाद बीज के लिए, क्योंकि अभी तक किसी सरकार ने कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, और निकल के बिजली कनेक्शन भी दिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, झंडा सीधा करो, नगर वीडियो हमारे लिए पहले का जबकि अन्य दल सब एक मिले हुए, सब दल एक हो जाए या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आतंकवाद को खत्म कर दिया है और दूसरी बात जितनी सुविधा देनी थी भ्रष्टाचार का नाश किया। सबसे मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान को जलील कर वहाँ पे जो भारत से जो सामान जाता था वो सारे बंद कर दिए गए, इसलिए पाकिस्तान में ये समस्या खड़ी हो। और अब आगे पानी भी बंद कर दिया जाएगा, पानी भी बंद कर दिया जाएगा। मोदी जी ने जैसे कार्य किए हैं जो जनता के हित में किए हैं, जैसे शौचालय, किसान सम्मान योजना, ये सारे ऐसे कार्य हुए हैं, सारे ऐसे कार्य हुए जिससे जनता ने भारी समर्थन दिया है और गठबंधन को नकार दिया है।
बना हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे उभर के आई है और केंद्र की मजबूत सरकार क्या कहा था मोदी को लोगों ने क्या बोला मोदी जो योजनाएं चलाएं उससे लोग लाभान्वित हुए कौन सा योजना चली और ये किसानों के लिए योजना चली किसानों के खाते में डाले गए तो किसान उससे 20 लाख वगैरह के ये अभी तक किसी सरकार ने नहीं कोई बात का ये नहीं थी तो उन्होंने किसानों को इतना काम किया इसीलिए और ये जो भ्रष्टाचार था उस पर भी अंकुश लगा इसलिए मोदी सरकार को लोगों ने पसंद किया इतनी आज मजबूत मोदी सरकार। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक राजपूत की रिपोर्ट बकेवर इटावा। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता जिसके चलते हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला उमरा खेरा में गत दिनों पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने पुलिस से बचने के लिए डाई पी ली थी। वहीं पुलिस ने उपचार कराने के बाद अभियुक्त को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान कुछ दिन पूर्व पति ने अपनी पत्नी की हत्या की जिसे आज आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने बताया कि गत 19 मई को उरई कोतवाली के मोहल्ला उमरा खेरा में जितेंद्र पुत्र किशन प्रसाद निवासी इछौरा थाना जरिया ने अपनी ससुराल उरई आकर अपनी पत्नी पूनम कुमारी को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना मृतका के पिता ने कोतवाली उरई में उपरोक्त के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त अभियुक्त जितेंद्र ने पुलिस से बचने के लिए खुद डाई पी ली थी। पुलिस ने अभियुक्त जितेंद्र को उरई एवं झांसी में उपचार करवाया जिससे वह ठीक हो गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी सहित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में अभियुक्त जितेंद्र ने बताया कि उसकी मूलचंद रहीबार मोहल्ला उमरा खेरा की पुत्री पूनम कुमारी के साथ करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी। पत्नी अधिकतर मायके में रहती थी। पत्नी के आचरण पर शक के कारण कुल्हाड़ी से मारकर उसने उसकी हत्या कर दी। ये दिनांक 19/5/2019 को कोतवाली उरई के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि पूनम नाम की लड़की की हत्या उसके पति के द्वारा स्वयं की गई है। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसके पति को मौके से गिरफ्तार किया गया। उससे आला कत्ल बरामद की गई लेकिन उसके पति के द्वारा डाई पी ली गई थी जिसके कारण उसे यहां से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज से भी वो रिफर होकर के झांसी गया जहां से स्वस्थ होने के बाद आज उसे जेल रवाना किया जा रहा है। शातिर अपराधी है और इसके द्वारा जानबूझ करके अपनी पत्नी की हत्या की गई है। ये रहने वाला कहां है सर? ये रहने वाला हमीरपुर का रहने वाला है। यहाँ पर किराए पर रहता था कि नहीं? यहाँ पर अपने ससुराल में 2 दिन से आया हुआ था। 18 तारीख को आया था जहाँ पर अपने ससुराली पक्ष को मिला करके रह रहा था लेकिन अचानक इसके दिमाग में खुरफात थी जिसके कारण इसने जो है अपनी पत्नी की हत्या सुबह 5 बजे कर दी। हत्या करने के पहले कोई विवाद था इसके पहले कोई इस तरह का विवाद संज्ञान में नहीं आया लेकिन यह सत्य है कि ये कह रहा था कि मेरी पत्नी जो है यहाँ रह करके पढ़ाई कर रही है और मेरे साथ हमीरपुर नहीं जाती है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट जालौन। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौला स्थित मेरिया मोड के पास की घटना जहां पर शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे मेला देखने जा रही कृष्णावती जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है पत्नी महादेव निवासी उतरौला जनपद बलरामपुर को एक टेम्पो ने ठोकर मार दी जिसे मौके पर ही उनकी मौत हो गई जबकि गोद में 1 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बेटे को इलाज के लिए बिनगा अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने वाहन सहित चालक को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई। कहाँ घर पड़ते था? कौन गाँव? कहाँ नाम है तुम्हारा? औरत के कहाँ नाम है? कई साल के? अच्छा, किससे हुआ है? ऑटो लाके ऊपर चढ़ाए। पकड़ के गाड़ी की है? पकड़िए है? थाने में आए हैं? हाँ, ड्राइवर आए हैं, गाड़ी नहीं आया तो गाड़ी वहाँ खड़ी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ददन सिंह की रिपोर्ट श्रावस्ती।
मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के नगर पंचायत तरीचर कला में उपयंत्री के होते हुए अनुपयंत्री को बुलाकर गैर कानूनी तरीके से मैनेजमेंट बुक भरवा कर 1,23,00,000 का भुगतान करवा दिया। आपको बता दें कि इस घोटाले पर उपयंत्री महेश उपाध्याय ने निवाड़ी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा CMO सहित 7 लोगों पर मामला पंजीकृत करने के लिए केंद्रीय पुलिस को आदेशित किया, जिसमें तत्कालीन CMO विनोद शर्मा, CMO अंबिका पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश हुकुम पटवा, उपयंत्री विजय सोनी लेखपाल, रामकिशोर शर्मा, लखनलाल तिवारी, हरिमोहन नापित के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 व 471 व 120B के तहत मामला पंजीकृत करने के लिए आदेशित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 करोड़ की लागत से बेतवा नदी से नगर पंचायत तरीचर कला तक पाइपलाइन डालने का काम वानको कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्वालियर को दिया था। वहीं जब कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा घटिया निर्माण कराने पर पार्षद एवं नगर वासियों ने विरोध किया, तो सांसगांठ के चलते घटिया निर्माण किसी संबंधित अधिकारी ने नहीं सुना और घटिया निर्माण होता जा रहा और मिली भगत से कमीशन खोरी होती रही, जिसका नगर वासियों को खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं जब इस संबंध में चौकी प्रभारी उदयराज सिंह ने बात की, तो उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार मामला पंजीकृत कर लिया है, साथ ही आगे की कार्यवाही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी। क्या नगर पंचायत के पूर्व उपयंत्री महेश उपाध्याय ने 7 लोगों के विरुद्ध न्यायालय दोहरे साहब के न्यायालय में निवाड़ी में परिवाद किया था। वो 7 लोग हैं, विजय सोनी ये उपयंत्री हैं, अभी पदस्थ द्वारा में लखन तिवारी हैं एक नगर परिषद से, और विनोद शर्मा पूर्व CMO हैं, रामकिशोर शर्मा जी क्लर्क हैं, मिथिलेश पटवा ये वर्तमान के अध्यक्ष हैं, हरिमोहन नापित क्लर्क हैं नगर पंचायत तरीचर कला में, और अंबिका पांडे पूर्व CMO हैं। इन 7 लोगों के विरुद्ध उनने एक परिवाद किया था कि पेयजल योजना के तहत इन लोगों ने शासन के साथ धोखाधड़ी की है। उस परिवाद में माननीय न्यायालय ने FIR के लिए आदेश किया था, जिस 7 लोगों के खिलाफ महेश उपाध्याय के परिवार पर FIR की गई है। सर अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी की है, कितने लोग फरार? नहीं, अभी गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है, अभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, ये प्रारंभिक विवेचना चल रही है। अब विवेचना में वरिष्ठ अधिकारियों के जैसे आदेश निर्देश होंगे, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर इन लोगों पर किन धाराओं में मामला पंजीकृत हुआ है? इन लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 420, 467, 468, 471, 120B भारतीय दंड विधान के तहत FIR हुई है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शाहीन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जनपद हरदोई में प्रताप नगर चौराहे पर पटाखा फैक्ट्री में दोपहर 12 बजे अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें फैक्ट्री की दीवार व मकान ढह गया। वहीं फैक्ट्री में काम करी लड़की अस्मा पुत्री नूर मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही घटना स्थल के पड़ोस के दुकानदार प्यारे लाल पुत्र भैया लाल अवधेश शुक्ला के मकान में मलबे के नीचे दब गए। वहीं काफी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से निकाला गया और पास के ही भगवान दत्त के मकान में बैठे संजय पुत्र राकेश भी घायल हो गए। आपको बता दें कि कोतवाली बेनीगंज के अंतर्गत प्रताप नगर में नूर मोहम्मद पुत्र शौकत अली मनिहार के मकान में पटाखा बनाने व बेचने का कारोबार करते थे, जहां पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पटाखा बनाते समय अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से तेज धमाके के साथ विस्फोट शुरू हो गए, साथ ही धमाके की गूंज सुनते ही प्रताप नगर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगभग 100 मीटर तक धमाके की गूंज थी। वहीं आसपास के दुकानदार भागने लगे। इसी बीच पास की दुकान में कॉपी बेचने का काम कर रहे प्यारे लाल पुत्र भैया लाल पुत्र राकेश धमाके की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आग बुझाने के बाद घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। मौके पर क्षेत्राधिकारी हरियामा, ASP हरदोई, SDM संडीला व बेनीगंज कोतवाल शिव शंकर सिंह घटना स्थल पर मौजूद रहे। घटना जो है ये प्रताप नगर चौराहे के पास ही जो है आवासीय और दुकान दो तरह के घनी बस्ती वसी हुई है, उसी में बीच में एक व्यक्ति पटाखा बनाता था।
पटाखा बनाता था, हो सकता है पटाखा बनाने में ही कुछ गड़बड़ हो गया और चूँकि बारूद की मात्रा इकट्ठा रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ। पूरा इसका जो है करीब कुछ नहीं तो लगभग 1200-1300 स्क्वायर फीट का मकान उड़ गया और उसकी एक लड़की थी उसका भी हाथ पैर उड़ गया और उसके बगल में उसके भाई का मकान था वो भी उड़ गया। तो ये विस्फोट तो बड़ा था, यानी निश्चित रूप से विस्फोटक जो है पदार्थ ज़्यादा रहे होंगे और इसकी जो है कोई अनुमति नहीं थी और इसकी जो है जांच कराई जा रही है, जेसीबी से खुदाई जा रही है। देखिए अंदर से जो है कुछ बारूद का थोड़ा सा मसाला मिला है और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये भी पड़ा हुआ है बनने के लिए, तो यहाँ निर्मित होता था। तो जिसकी जांच हो रही है नियम विरुद्ध कार्य कर टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट हरदोई।